Hello friends, welcome back to our channel JavaInhand. This is our new video. In this video, I will explain how to implement custom authentication in Oracle Attack. तो दोस्तों आपका ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते बढ़ते आगे बात करते हैं आज के हमारे वीडियो के बारे में जो कि है कस्टम ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टम ऑथेंटिकेशन होता क्या है। कस्टम ऑथेंटिकेशन होता है हमारा एप्लेक्स के अंदर कि हमें किसी एक पर्टिकुलर यूजर को हम एक अपनी टेबल जो हमने मैनुअल टेबल बनाई होती है उसमें से हम अपने यूजर को जो कि हम अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं जिन यूजर्स को उनको हम वैलिडेट करते हैं। ऑथेंटिकेशन का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो होता है द प्रोसेस और एक्शन ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिफाइंग ऑफ अ यूजर और प्रोसेस। किसी भी एक यूजर को जो कि वो एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है उसको हम एक प्रोसेस के थ्रू उस यूजर को हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारा कहलाता है कस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आज का जो हम सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कस्टम ऑथेंटिकेशन किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले कि जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी जो हमारा मैसेज आ रहा होगा वो आ रहा है यूजर नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है, हमारा जो टेबल है डेटाबेस टेबल है उसके अंदर जो मेरा यूजर है पासवर्ड है वो हमारा मैच नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ यानी मैं अपना आइटम को खाली करता हूँ तो वो क्या करता है बिल्कुल प्रॉपर मैसेज देता है यू कि आपने ये आइटम या इस आइटम में वैल्यू नहीं डाली है। तो अभी अगर आप एक भी आइटम के अंदर वैल्यू नहीं डालते तो मैंने क्या इस प्रोसेस फंक्शन के अंदर लिखा है, आप इसको और भी मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप इसके अंदर जो भी चेंजेस है वो इजीली कर सकते हो। तो ये हमारे बिगिनर्स के लिए है जिन्हें अभी कस्टम ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट नहीं करना आता है तो आज वो हमारे इस वीडियो को देख के हो सकता है वो कस्टम ऑथेंटिकेशन के बारे में समझ में पड़ ले और क्या होता है वो उनको समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बेसिक स्टेप क्या है इसके। तो सबसे पहले कस्टम ऑथेंटिकेशन का फर्स्ट स्टेप है आपको एक टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपके वो यूजर एग्जिस्ट होने चाहिए जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करवाने के लिए वो यूजर आपके टेबल में एग्जिस्ट हो। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर हमने एक यूजर वैलिडेट नाम के एक टेबल को क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने अभी एक टेस्ट डेटा डाला हुआ है जिसके अंदर test@gmail हमारा यूजर है, उसका पासवर्ड है, स्टेटस है और यूजर टाइप है। आप पासवर्ड को अनइंक्रिप्टेड फॉर्म में भी कर सकते हैं और बिना इंक्रिप्टेड फॉर्म में। इंक्रिप्टेड फॉर्म हमारा बहुत ही अच्छा फॉर्म होता है पासवर्ड को स्टोर करने के अपने डेटा बेस में और उसी फॉर्म में हम उसको वैलिडेट करवाते हैं। ठीक है, अभी क्या है ये बिगिनर सीरीज है, हम बिगिनर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं आता होगा जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर हम इंक्रिप्शन किस तरीके से हम करेंगे डेटा का, किस तरीके से उसको डिक्रिप्ट करके उसको वैलिडेट करेंगे वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल करते हैं कि कस्टम ऑथेंटिकेशन होता क्या, उनका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो आपने टेबल बना ली होगी, टेबल का कोड फंक्शन का कोड और क्या आपको पेज का कोड लिखना है उसका मैं लिंक अपने कमेंट सेक्शन में ड्राइव पे स्टोर कर दिया है जहाँ की आप इजीली इस कोड को नोट डाउन कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोड की चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता करना है कि इसको समझने के बारे में कि ये किस तरीके से प्रोसेस करता है वन बाई स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप था आपका टेबल क्रिएट करना, उस टेबल के अंदर आपको डेटा डालना। आप इसके लिए इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इंटरफेस नहीं क्रिएट करते हो तो आप इसकी बैक एंड से एंट्री जिस तरीके से हम आप यहाँ से इंसर्ट हो करके आप दो चार डेटा को टेस्ट करने के लिए आप डेटा डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम अपने सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप है हमारा फंक्शन। हम यहाँ पर यूजर को वैलिडेट करने के लिए हमने एक फंक्शन का यूज किया, हमने फंक्शन क्रिएट करा जहाँ पर हम यूजर से पैरामीटर लेंगे और कुछ रिटर्न कराएंगे। फंक्शन के बारे में अगर जो भी हमारे बिगिनर्स हैं उनको अगर डिटेलिंग में पढ़ना है तो हमारी TLS कॉल और ट्यूटोरियल्स की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर फंक्शन की डिटेलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है उसका हमने नाम दिया कस्टम यूजर ऑथ। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। फिर हमने यहाँ पर पास किया दो पैरामीटर,
पहला पैरामीटर पी यूजर नेम इनपुट वेर के टू, हमारा क्या है जो कि हम स्क्रीन के हिसाब से अगर हम समझे अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे जो यूजर नेम है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यूजर नेम जो पासवर्ड है ये हमारा क्या है एज अ पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर। तो हमारा जो ईमेल आईडी होगा या फोन नंबर होगा वो हमारा की यूजर नेम है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, सेम एटीटी भी रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, फिर की पासवर्ड, ठीक है ये हमारे दो पैरामीटर हो गए। उसके बाद क्या आप रिटर्न कराओगे, रिटर्न हम इसके अंदर कराते हैं बूलियन, बूलियन बूलियन में हमारा क्या रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, अगर हमारी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ट्रू और रिटर्न होता है, अगर कोई भी कंडीशन हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो फॉल्स रिटर्न करती है। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स डिफाइन करें हैं जिसके अंदर हम यूजर नेम पासवर्ड स्टेटस को स्टोर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं हमने बिगिन सेक्शन स्टार्ट किया, इसके अंदर सबसे पहले हम कंडीशन जो कि हमारी कंडीशन है जो कि यहाँ पर मैच हो रही है प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, वो कंडीशन कहाँ से हमारी मैच हो रही है, वो कंडीशन हमारी यहाँ से मैच हो रही है कि हमारा जो की यूजर नेम है अगर वो नल होता है और पासवर्ड अगर इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड नल होती है तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पर करते हैं एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं प्लीज एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप कोई भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये मैसेज को किस तरीके से हम स्क्रीन पे शो कराएंगे, तो यहाँ पे हमने यूज करा है एपेक्स अंडरस्कोर यूटिल पैकेज जिसके अंदर सेट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर स्टेट, ये क्या है एपेक्स अंडरस्कोर यूटिल का एपेक्स का एक पैकेज है जिसके अंदर एक हमारा प्रोसीजर होता है सेट सेशन स्टेट, जिसके अंदर ये क्या करता है एक सेट सेशन स्टेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर पास होते हैं किस आइटम में आपको पास कराना है और क्या आपको मैसेज वो स्टोर करवाना है या क्या वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हो पर्टिकुलर आइटम के अंदर, ठीक है। तो अब ये एरर मैसेज क्या है, एरर मैसेज अब आपको आना है थर्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एरर मैसेज है हमारा एप्लीकेशन आइटम जिसके अंदर हम सेशन स्टेट की वैल्यू को हम स्टोर कराते हैं, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट में आना है आपका एप्लीकेशन आइटम में आना है, स्टेप आपको ये भी मिस नहीं करने है, वहां पर आपको करना है क्रिएट बटन पे क्लिक, ठीक है। आपको एरर मैसेज जो हम फंक्शंस में डिफाइन कर रहे हैं एरर मैसेज वो आपको मैसेज आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो और स्कोप आपको एप्लीकेशन लेवल रखना है और सेशन स्टेट प्रोटेक्शन आपको रिस्ट्रिक्ट में नॉट बी सेट फ्रॉम ब्राउजर करना है। फिलहाल हमने इस एप्लीकेशन आइटम को हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है एरर मैसेज जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने पेज पे, ठीक है। पहला स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप में हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बिगिन कराते हैं, बिगिन एंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट क्वेरी, क्योंकि आप बेसिकली आप सभी जानते हो सिलेक्ट क्वेरी, पर जब हम पी एल एस एल के अंदर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं सिलेक्ट क्वेरी के साथ हम इनटू का यूज करते हैं और अपने जो भी हमारे डेटा टेबल डेटाबेस से जो वैल्यू रिटर्न होती है उसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में इनटू का यूज से हम क्या करते हैं स्टोर करवाते हैं एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे हमारा क्या है सिलेक्ट यूजर नेम हमें चाहिए, पासवर्ड चाहिए, स्टेटस चाहिए, इनको हम करते हैं किस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, वी यूजर वी पासवर्ड वी स्टेटस फ्रॉम यूजर वैलिडेट टेबल हियर अपर, ठीक है। अपर हम यूजर नेम के कंडीशन पे हम मैच करा रहे यूजर नेम से अपर यूजर नेम जो हमारा पैरामीटर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन की वीडियोस हम आगे सेशन में आपको बताएंगे एक्सेप्शन किस तरीके से आप पीएल स्किल के अंदर हैंडल कर सकते हो और एपेक्स के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे एक्सेप्शन में हमारे क्या होता है व्हेन नो डेटा फाउंड, ये ओरेकल का प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होता है व्हेन नो डेटा फाउंड, देन क्या होगा एपेक्स यूटिल जो कि हम सेशन स्टेट के अंदर हम मैसेज क्या स्टोर कराएंगे यूजर नॉट फाउंड, मतलब अगर उस पर्टिकुलर यूजर का अगर मेरे को डेटा अवेलेबल नहीं होता या डेटा एग्जिस्ट नहीं करता मेरे डेटाबेस के अंदर तो हम क्या यूजर को मैसेज देंगे यूजर नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर फॉर, ठीक है। या आप बैकएंड से एंट्री मार सकते हैं जो भी आप मैसेज देना चाहते हो और हम क्या करेंगे रिटर्न फॉल्स, अब रिटर्न करवा देंगे फॉल्स कि हमारा जो स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो गई। उसके बाद अगर इसके अलावा जो कि आप इतनी सारी हमारे पास एक्सेप्शन होती है उसको हम
वन नहीं लिख सकते, जितनी आप नोन टू हो वो आप लिख सकते हो। तो उसका हम क्या करते हैं, अदर्स में डाल देते हैं उसे, देन अदर्स, देन अगर कुछ भी इसके अलावा और भी कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन में भी क्या देने को, यूजर नॉट फाउंड। आप एक्सेप्शन स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस केस में भी हम क्या करेंगे, यूजर नॉट फाउंड, मतलब या तो हमारा केस में डेटाबेस में एड्रेस नहीं होगा या डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, तब उस केस में क्या होगा, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न, ये हमारा वो सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मैच कर जाता उसके बाद, अगर पर्टिकुलर यूजर का अगर हमारा डेटा मैच होता तो हम क्या करेंगे, हम मैच कराएंगे वेरिएबल का पासवर्ड, जो हमने वेरिएबल के अंदर पासवर्ड स्टोर किया है उस पर्टिकुलर यूजर के अगेंस्ट में। ठीक है, नॉट इक्वल टू अगर होता है पी पासवर्ड, यानी जो पैरामीटर से पासवर्ड आता है और वी पासवर्ड जो कि हमने वेरिएबल में स्टोर करा है, अगर दोनों मैच नहीं करते हैं हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम एक मैसेज देंगे कि पासवर्ड इनकरेक्ट है, हमारा क्या है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, और रिटर्न करा देंगे फॉल्स। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन जो कि हम इस फंक्शन के थ्रू चेक करा रहे हैं। मैं ये सारी कंडीशन को वैलिडेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वैलिडेट हो गए। उसके बाद इफ बी स्टेटस, हमने एक स्टेटस का भी कॉलम लिया है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है वो एक्टिव है या नहीं। अगर इन केस किसी केस में वो इनएक्टिव हो गया है तो उसको हम प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं कि यूजर नॉट एक्टिव, या जो भी आप मैसेज देना चाहते हो आप वो उसको इजीली मैसेज दे सकते हो। एफएक्स यूटिल जो कि हम, मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ कि क्या यूजर, उसके थ्रू हम देते हैं यूजर नॉट एक्टिव और रिटर्न फॉल्स कराते हैं। अगर ये सारी कंडीशन केसेस ट्रू हो जाता है हम क्या कराते हैं, रिटर्न ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम क्या कराते हैं, एंड कराते हैं। ये था हमारा फंक्शन का काम, एप्लीकेशन आइटम बना लिए। अब आते हैं हम पेज पे। अब पेज पे आपको क्या करना होगा, पेज पे आपको एक एक्स्ट्रा आइटम बनाना होगा एरर्स का, जो कि आपको यहाँ पे एरर्स जो ये मैसेजेस दिख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर शो होंगे। उस एरर्स के मैसेज को आपको आइटम सिलेक्ट करना होगा डिस्प्ले ओनली, और यहाँ पर आपको देना होगा सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग का यूज करके उस आइटम की वैल्यू का हम यहाँ पे दिखाएंगे उसके लेवल पे। ठीक है, एम परसेंट एरर मैसेज डॉट, डॉट लगाना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो आपका जो रियल स्केल के अंदर हम सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग के वैल्यू का हम इसी तरीके से हम इस लेवल पे हम यूज कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें से अगर इसको थोड़ा भी गलत देखते हो तो आपको एरर मैसेज शो नहीं होगा। अब इस जो हमारा सॉरी जो भी हमारा, अब इस आइटम को आप कब शो कराओगे, इस पे आपको कंडीशन लगाएगी, वो कंडीशन किस साइड लगेगी, वो लगेगी आपको सर्वर साइड कंडीशन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस आइटम को शो करवाने की कंडीशन क्या लगेगी, सर्वर साइड कंडीशन, आइटम इज नॉट नल। ठीक है, आइटम नल होगा तो ये क्या होगा, आपको एरर मैसेज शो नहीं करेगा। आइटम अगर नॉट नल होगा और उसमें आपको पास करना है एप्लीकेशन आइटम में एरर मैसेज, जो कि आपने एरर मैसेज एप्लीकेशन आइटम बनाया हुआ। उसके बाद ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहला स्टेप था आपका टेबल को क्रिएट करना, उसके अंदर डेटा फिलअप करना, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप था आपको फंक्शंस क्रिएट करना, अगर आपने फंक्शंस क्रिएट कर लिया वेल एंड गुड। थर्ड स्टेप था आपको एक आइटम को क्रिएट करना है जिसका मैसेज आपको जो फंक्शंस के अंदर आपने जो आइटम्स डिफाइन करेंगे वो आइटम्स का नाम होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप है आपका एरर्स के आइटम को क्रिएट करना। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप जो कि आपको काफी ही ध्यान से देखना है, जो कि आप मिस नहीं कर सकते हो, उसके बाद हम एक डिफाइन करेंगे एनोनिमस ब्लॉक। ठीक है, एनोनिमस ब्लॉक आप सभी जानते होंगे, उसके अंदर हमने एक डिफाइन करा वी रिजल्ट बूलियन, उसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट क्या डिफाइन कर दिया, इसे असाइन कर दिया वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दिया बूलियन के अंदर वी रिजल्ट के अंदर फॉल्ट। ठीक है, बिगिन रिजल्ट के अंदर हम असाइन कर रहे हैं जो हमने फंक्शन डिफाइन करे थे, तो हमने फंक्शन क्रिएट करा था, उस फंक्शन को अब हम क्या करा रहे हैं कॉल, उसके अंदर हमने जो दो पैरामीटर थे यूजर नेम सेकंड पासवर्ड जो हमारा पासवर्ड है, तो ये हो गया हमारा दोनों पैरामीटर पास हुए।
अब जो भी ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, वो हमारा किसमें स्टोर होगा, वी रिजल्ट के अंदर। अब इसके इस पे हम केस चेक करेंगे, इफ वी रिजल्ट अगर हमें ट्रू रिटर्न करता, मतलब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन करा, अगर इसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड अगर हमारा एग्जिस्ट करता है टेबल के अंदर, अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा पैकेज है www_flow_custom_auth_std अंदर जाएगा, उसका अंदर पोस्ट लॉगिन का हमारा प्रोसीजर है, उसको क्या करेगा, ये एफएक्स का बाय डिफॉल्ट लॉगिन करने का प्रोसेस है, उसके अंदर वो पैरामीटर को यूज करेगा, पी यूजर नेम पी पासवर्ड एफएक्स सेशन एप्लीकेशन आईडी कॉलन और पेज नंबर, ये चीजें हम पास करते हैं और हम उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाते हैं। अभी हमने इसमें पेज नंबर क्या पास करा, एक हम पर्टिकुलर एक पेज पे पहुंच जाते हैं। अगर वी रिजल्ट अगर हमें ट्रू के अलावा कुछ और फॉल्स करता है, जो कि हमने फॉल्स में क्या कर रखा है, बाय डिफॉल्ट वी रिटर्न में फॉल्स रिटर्न करा रखा है, एल्स में क्या करेगा, ओडब्ल्यूटी वीटी का यूज करके रिडायरेक्ट कर देगा हमें सेम 101 पे। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने जो जो कंडीशंस यहां पे रखी थी वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है नहीं। सबसे पहले हमारे जो कंडीशन हमने चेक कराई थी फंक्शन के अंदर वो था प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड। अगर मैं इसके अंदर ईमेल आईडी नहीं डालता हूँ, ठीक है, और इसको मैच कराता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, प्लीज एंटर यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं ईमेल आईडी सही डाल देता हूँ और पासवर्ड गलत डालता हूँ, test@gmail.com, अगर मैं जो हमारे सेकंड पेज था यूजर नोट फॉर्म, अब क्या है, हमने यहाँ पर दोनों चीज लिखी, यहाँ पे कर दिया वन, यहाँ पे लिखा एडमिन 1 2 3, अब क्या है हमारा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं दोनों चीज करा, अब क्या आएगा यूजर नोट फॉर्म, मतलब हमारे पास यूजर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे डेटाबेस टेबल में, क्योंकि हमारे जो डेटाबेस टेबल का है test@gmail.com था और हमने क्या लिखा था gmail.com1। अब क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं test@gmail.com और हम पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं गलत और इसको साइन इन करते हैं तो ये कहेगा पासवर्ड इनकरेक्ट, इसका मतलब क्या है हमारा जो पासवर्ड इनकरेक्ट है। उसके बाद हम करते हैं test@gmail.com, अब यहाँ पे हम पासवर्ड इस पर डालेंगे सही एडमिन 1 2 3 और इसको लॉग इन करेंगे तो यहाँ हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे, क्या पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड इनकरेक्ट को चेक कर लेते हैं, कैप्स ऑन तो नहीं है, कैप्स ऑन नहीं है, पासवर्ड है हमारा कैप्स में, ठीक है, तो ये था हमारा पासवर्ड का test@gmail.com। उसके बाद हमें क्या करना है, admin123 और इसको लॉगिन करना है, यूजर नॉट एक्टिव, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस में यूजर है उसको हमने क्या कर रखा थी स्टेटस का, तो हमारी सारी चीजें जो भी हम इस फंक्शन के अंदर वैलिडेट करा रहे थे वो सारी वैलिडेशन हमारी बिल्कुल सही जा रही है। अब हम क्या करेंगे, एक्टिव यूजर कर देंगे, अप्लाई चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं दोबारा से इसमें लॉग इन करते हैं test@gmail.com admin123 और लॉग इन करते हैं, तो ये हो जाता है आपका लॉग इन। तो ये था आपका कस्टम लॉगिन कस्टम ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक करें शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नए बिजनेस का।